भी जिक्र किया है, तो क्या लगता है वो कौन सी ऐसी ग्रुप है जो एक साइड ग्रुप बनती है और कहीं ना कहीं कुछ लोग अकेले पड़ जाते हैं? शिव है, वो यही काम करता है, वो भेड़ चाल चलता है। आप समझ सकते हो कि अगर आप ग्रुप में रहोगे तो आप ज्यादा दिन रह सकते हो। उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला खेल ही नहीं पाऊंगा। साथ ही अभी हाल ही में हमने देखा कि अर्चना के साथ भी बहुत कुछ हुआ गया, जो एक तरीके से गेम खेला गया था। क्या लगा आपको, ये सही था? क्योंकि सलमान सर ने भी इसका जिक्र किया। हाँ, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अर्चना सही थी, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक बार एक बार एक बार 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 करोगे तो इंसान को गुस्सा आएगा, जैसे मुझे भी आया था, क्योंकि अर्चना ने मेरे साथ ही यही चीज़ की थी। साथ ही कहीं ना कहीं एक पर्सनल लाइफ भी ला दिया गया था, जहाँ पे दीदी दीदी का जिक्र कर रहे थे, क्या वो चीज़ें सही थी या वो गलत है? उसने साफ मना किया था, मेरे सामने मना किया था उसने कि शिव तू मेरे को इन चीज़ों से लेके तू मेरे को बोला कर, क्योंकि मैं तेरे को नहीं बोलती आजकल, क्योंकि वो भी आजकल इन चीज़ों पे नहीं बोलती। तो वो उसने बोला था कि मुझे मत बोला कर, पर फिर भी जान पूछ के शिव ने बोला अगर तू करेगी तो मैं तो करूँगा। तो उसने वो सीधा सीधा टारगेट था कि हाँ ये इस चीज़ से कमज़ोर होती है, तो उसी चीज़ को उसने उंगली उठाई। एक चीज पूछना चाहेंगे, बिग बॉस की दादी कौन है अगर पूछा जाए, जो सबसे बड़े जो गेम प्लेयर है वो कौन है अगर अब तक के? अगर सभी दादी तो वैसे नाम दे रखा था अर्चना को, क्योंकि वो हर चीज में पंचायती करती है, उसको अच्छा लगता है ये सब चीजें करना, और उसको ये कि चार टिश्यू क्यों लिए, सात टिश्यू क्यों लिए, तो ये सब चीजें वो ही कर सकती है अर्चना। और रही बात गेम की, तो गेम शिव भी अच्छा खेल रहा है, प्रियंका भी अच्छा खेल रही है, और शालिन का भी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गेम खेल रही है। अंकित उनका मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है अभी। साथ ही अब्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब्दू क्यूट है, स्वीट है, और वो क्यूट ही बन के रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच में वो बहुत गुस्सा करता था और सबको अपना एटीट्यूड दिखा रहा था, तो वो उसका पसंद नहीं है सबको, तो ये अच्छा लगता है। क्या प्रियंका ने अब्दू के साथ भी गलत किया? ठीक है, वो कंकड़ी वाला ना जो बीनते थे टाइम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मौका सबको मिलना चाहिए, कैप्टन हर बार चेंज हो तभी तो मजा आएगा ना फिर गेम। बिग बॉस उनको समझा भी रहे थे बार बार क्या आप सही हो। हाँ नहीं, अगर देखा जाए तो टास्क के लिए तो, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें उसने खुद ने चेंज कर दी थी, क्योंकि बिग बॉस ने भी ये बात बताई थी, तो फिर लास्ट में जो अब वो बोलते हैं ना कि किसका वो जिसने ज़्यादा लास्ट में साजिश सर और गौतम को भेजा गया था, तो लास्ट में जो ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा किया था वो गौतम था, तो उस अकॉर्डिंग उसने वो सही फैसला लिया था। निमृत की गेम के रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे? निमृत का गेम कैसा है? बहुत खतरनाक लड़की है वो, दल पद वो बोलते हैं ना, इधर से उधर दल बदलू जो भी है तो उसकी चीज़ें ये है कि वो एक जगह टिक के नहीं खेल सकती है, और उसको कोई ना कोई उसको भी सहारा चाहिए, क्योंकि उससे अकेले से खेला नहीं गया, क्योंकि उसको बीच में ओजी करके वो चीज़ें थी, तो उसको पहले तो कैप्टन बनना था, जब अब्दू कैप्टन बना फिर उसको बनाने के लिए वो कैसे रेडी हो गई ये हमें नहीं पता चला, क्योंकि वो खुद कैप्टन बनना चाहती थी, और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर मैं कैप्टन बनूंगी तो मेरा जो ओरिजिनल चीज़ है वो बाहर आएगी, पर ऐसा नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही हो, आपको ऐसी भी चीज़ें हैं आप में। असिस्टेंट का क्या हो सकता है कि मैंने उसको अच्छा दोस्त माना, पर वो ही शायद दोस्ती के लायक नहीं था, मैं बोल सकती। लास्टली आज आप अपनी सिटी में जा रही हो, कितने एक्साइटेड हो, क्या कुछ धमाल होने वाला है गौरी की एंट्री के बाद? मस्त, पहले तो जाके सोऊंगी फिर सबसे बात करूंगी। थैंक यू गौरी जी, देखिए ना गौरी जी, गौरी जी यहाँ पे गौरी जी, देख